हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे कैपेसिटर को एक साथ जोड़कर देख लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से बनाकर दिखा दिया था। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग अपने वर्क को पूरे ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए, आपके सामने कुछ और स्टेप बचे हुए हैं जिसको हमें सीखना है। जहाँ तक मैंने आपको कोशिश किया सिखाने का, वो वहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं, हमने ऐसा देख चुका। अब उसमें थोड़ा सा और चेंज करने की आवश्यकता है, थोड़ा टाइप को बदलना है और थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लाना है आपके सामने। चलिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, फिगर बनाऊंगा, आपको उसमें सोच कर जवाब देना है। मिक्स टाइप के सवाल होंगे, कैपेसिटर जुड़े रहेंगे सीरीज में, पैरेलल में, एक साथ, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। तो चलिए, आप लोग से भी अच्छे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा नेटवर्क फंस रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसके कारण नेटवर्क फंस रहा था। अभी सामान्य स्थिति है, नेटवर्क ठीक है। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जोश में तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है, आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच जो पिछले क्लास में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इस पर
हेलो, चलिए देखिए साउंड आया क्या। क्वेश्चन आपको आ चुका है, उसको बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। जल्दी से बताइए, हम आपका आंसर देख रहे हैं। बताइए जल्दी से, आप लोगों ने सॉल्व किया, इसका आंसर बताया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एम और एन। एम और एन आपके सामने है, सर्किट तैयार है, कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 4 कैपेसिटर हैं, वो कैपेसिटर इस प्रकार जुड़ा है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। यदि आप लोगों ने रेजिस्टेंस वाला क्लास को देखा होगा और ये क्लास देख रहे हैं, तो गारंटी है कि 100% सारे बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। यदि क्लास लगातार 4-5 क्लास को आपने देख चुका है, तब निश्चित रूप से इसका जवाब आप सभी बच्चों का सही आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप सीखिए। यहाँ से कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट हो रहा है, बड़ा बड़ा सर्किट आपके सामने आएगा। छोटे छोटे जो सोच थे वो मैं आपको पीछे सवाल में दे चुका हूँ, आपको मैंने सिखाने का कोशिश किया है और निश्चित रूप से आप लोगों ने सीख चुका है। आप जरा सा इसको ध्यान से देखेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। तो आपका जवाब आ चुका है, मैं जरा देख लेता हूँ। बहुत प्यारे बच्चे क्लास में जुड़े हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, ये मुश्किल बात है। सबका जवाब सही आ रहा है, बजरंगी कुमार गो साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, देखिए गौर से, जब मैं बोलूंगा तब ना साउंड आएगा। मैं सवाल लिख रहा था चुपचाप। चलिए तैयार हैं आप लोग? ए भाई ऋषभ, अनमोल कुमार, कैपेसिटेंस है रे, ओम नहीं लिखना है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड में दोगे, ओम नहीं लिखना है भाई। मेरे बच्चों माइक्रो फैराड इसको समझिए आप लोग, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था फैराड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, फैराड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हम लोग जो कंडेंसर यूज करते हैं, किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटेंस 1 फैराड 2 फैराड नहीं हो सकता है। फैराड पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा कंडेंसर लेंगे तब उसका कैपेसिटेंस 9000 मीटर का रहेगा, तब उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड होता है। इसीलिए फैराड शब्द नहीं होगा, माइक्रो नैनो पिको फैराड यहाँ पर यूज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया ओम, चलिए उस हड़बड़ी में दे दिया, ओम नहीं होगा, वो तो ओम रेजिस्टेंस वाला होता है। यहाँ तो कैपेसिटर का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम या मिक्सर कम्बिनेशन में है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों का लगभग सभी बच्चों का आंसर आया है 10। अब मैं देखता हूँ जवाब सही क्या होगा, राइट। मैं बनाता हूँ, आप अपने आंसर को देखेंगे, गलत सही का चेक करेंगे, राइट। सीखना है, ये सवाल आपको बना के दिखाना है, सीखना है। चलिए, तो कहा कि सर जहाँ पर सीरीज और पैरेलल पहचानने में कन्फ्यूजन होने लगे, वहां पर हम लोग सबसे पहले वहां पर हम लोग समतुल्य परिपथ बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होगा यह सर्किट जो काम करेगा उसके बदले जो दूसरा सर्किट बनाएंगे वो भी वही काम करेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ सीरीज और पैरेलल क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें सीरीज और पैरेलल एकदम स्पष्ट समझ में आने लगेगा। यही उद्देश्य है इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का। कैसे बनाते हैं आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
सबसे पहले मैंने आपको कहा था जितने भी पॉइंट पर एक से अधिक वायर जुटे होंगे, दो से अधिक वायर जुटे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, ये सब आपका जंक्शन है, ये सब आपका जंक्शन है। तैयार हैं आप लोग? यदि ये जंक्शन है प्यारे बच्चों, इसका नाम दे दीजिए अपने मन से, ए बी सी डी जंक्शन का नाम दे दिया आपने। अब अंतिम सिरा जो है, फाइनल पॉइंट एम और एन है, उसके साथ जो जो जंक्शन जुड़ा है उसको दिखाइए सर्किट में। तो चलिए यहां पर आपका फाइनल पॉइंट आपका यहां पर एम है और एम के साथ ए जुड़ा है, उसको दिखा दीजिए। और इधर फाइनल पॉइंट आपका एन है, उसके साथ डी जुड़ा हुआ है, उसको दिखा दीजिए। एक स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप अब है कट एंड पेस्ट, काटो और जोड़ो। तो जितने भी कैपेसिटर यहाँ पर हैं उसको कट करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे। तो कट एंड पेस्ट के पहले हमको देखना है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है। जो जो पॉइंट कॉमन होगा उसको मैंने पहले, मेरा काम है पहले उसको खोजना है। तो देखते हैं, ए से बी की ओर आए कैपेसिटर है, ए से सी की ओर आ रहे कैपेसिटर है। तो ए किसी के साथ कॉमन नहीं है, ए के साथ कोई कॉमन नहीं है। चलिए आइए अब आते हैं डी पॉइंट पर। डी के साथ देखते हैं डी कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि डी और बी के बीच में बिना कैपेसिटर वाला वायर जुटा हुआ है। तो बी पॉइंट और डी पॉइंट को आपको कॉमन मानना है। तो जहां डी पॉइंट है वहीं पर आप बी पॉइंट दिखा दो। डी और बी कॉमन आपको दिख रहा है, जिस बिंदु पर डी लिखे हो वहीं पर बी लिख देंगे। स्टेप क्लियर है? अब आइए सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर जैसे आप आते हो तो सी के लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में और इधर चारों तरफ उसके साथ कैपेसिटर जुड़ा है। सी किसी के साथ कॉमन नहीं है। जब ऐसा बिंदु मिल जाए तो किसी के साथ कॉमन नहीं है, आप क्या करोगे? उसको कहीं बीच में डाल दोगे। यहाँ पर सी को मैंने डाल दिया। जो बिंदु कॉमन नहीं है कहीं पर उसको डाल देंगे, राइट। चलिए अब हम लोग कट एंड पेस्ट करते हैं। ए और बी के बीच जो कैपेसिटर है उसको कट करके निकाल लिया, ए और बी के बीच में। तो बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ पर है, उसके बीच वायर को जोड़ दिए और उस पर कैपेसिटर दिखा दिए। उसका नाम क्या है? C1, C1 लिख दिए। उसका वैल्यू है 6 माइक्रोफ़ारड। अब चलिए बी और सी के बीच में कैपेसिटर है, बी और सी से कट कर लिए, बी और सी ढूंढिए कहाँ है। बी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु यहाँ है। उसके बीच कैपेसिटर को दे देंगे, उसका नाम है C2, उसका वैल्यू है 6। अब चलिए सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, तो सी और डी यहाँ पर है, उसके बीच कैपेसिटर जोड़ना है। तो वायर को टेढ़ा करके ऐसे जोड़ देंगे C3, ये भी 6 है आपका। अब देखिएगा ए और सी के बीच में आपका कैपेसिटर है, ए और सी के बीच से कट कर लेंगे, इसको लाके पेस्ट कर देंगे। ए और सी आपका यहाँ पर है, जोड़ देंगे, इसका नाम है C4 और इसका वैल्यू है 6। ये हुआ इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य परिपथ। अब आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकोगे। तो कैसे करोगे, आओ गौर से हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो चुका आपका। अब हम लोग यहाँ पर इस सर्किट को देखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो माय डियर बच्चों, आइए इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर देखो गौर से समझने लायक बात है, क्या बात है, यहाँ पर देखोगे सी पॉइंट और डी पॉइंट, आप यहाँ पर गौर करके देखोगे यदि सी पॉइंट और डी पॉइंट को देख रहे हैं, सी और डी के बीच में पहले सोचिए तो ये दोनों पैरेलल है। सबसे पहले हम लोग बिटवीन सी एंड डी जाएंगे, सी और डी के बीच में हम लोग सबसे पहले आ गए, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, यहाँ पर स्पष्ट है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा सी पी बराबर, यहाँ पर बोलेंगे नाम क्या है सी टू, यही नाम है सी थ्री, तो सी टू प्लस सी थ्री इसका हो जाएगा वैल्यू 6+6 इक्वल टू 12 microfarad आपका वैल्यू हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर एक बन गया आपका, एक हो गया, जब जो दोनों मिलकर एक बन गया उसका वैल्यू 12 microfarad हो गया। अब उसके साथ ए सी डी पर चलेंगे, ए सी डी यहाँ पर ये श्रेणी में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होगा, ये श्रेणी क्रम में यदि है तो गौर करके देखोगे आप लोग, यहाँ पर इसको इस तरह से दिखाएंगे, ए पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा दीजिए, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर आपका सी पॉइंट है, नहीं सॉरी ए सी डी है, ए सी डी आपका यहाँ पर है, इसका वैल्यू 6 है आपका, 6 है और ये दोनों मिलकर हो गया 12। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सी एस निकालेंगे, सी एस बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, तो दोनों को गुणा करेंगे और फिर दोनों को भाग देंगे, जोड़ कर भाग देंगे, गुणा करके दोनों से जोड़ के भाग दे देना है, तो ये जवाब आपका हो जाएगा 12×18 = 72 हो जाएगा, ये हो गया 4 microfarad हो गया आपका। चलिए बहुत सुंदर बात, अब देखना है फाइनल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर आपको देखना है कि ये तीनों मिलकर ए सी डी में 3 कैपेसिटर है, ये तीनों मिलकर उसका कैपेसिटेंस हो गया 4 microfarad। क्लियर हो रहा है? यस, ध्यान देंगे, यदि क्लियर हो रहा है, समझ हो रहा है तो लाइक कीजिए, एकदम टनाटन, एकदम टनाटन टाइप कीजिए। अब देखेंगे ये तीनों मिलकर एक बन गया, उसके साथ ये एक पैरेलल में हो जाएगा, तब मैं आऊंगा बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन, एम और एन के बीच आएंगे, तो आप गौर करके देखो, एम पॉइंट यहाँ था, ए पॉइंट था और आपका एन पॉइंट था और यहाँ डी पॉइंट है, इसके बीच ए और डी के बीच में देखना है, ये तीनों मिलकर एक बन चुका है, तीनों मिलकर एक बन गया है सर, और ये है अलग है, ये बन गया है 4 microfarad और ये आपका है 6 microfarad। अब ये पैरेलल में हो गया, यहाँ पर पैरेलल में है दोनों, तो भाई मेरे सी पी बराबर जोड़ देंगे 4+6 = 10 microfarad, माय डियर बच्चों आप सभी 100% करेक्ट हो, आप सभी बच्चों ने जवाब 100% दिया था, एक दो बच्चों से खाली गलती हुआ था, ओम लिख दिया था वहां पर, और बाकी आप लोगों का आंसर एकदम राइट है, पूरा पूरा राइट है, एकदम सही हो, चलो बहुत अच्छा। तो जिनसे जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोगों ने सीख लिया होगा, तो चलिए प्यारे बच्चों आप जरा सा इसको, जो बच्चे थोड़ा दिक्कत में थे आप उसको, लोगों को मैं बता रहा हूँ आप उसको जल्दी से एक जगह कर दिया, छोटा सा बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बड़ा करके देख लेना, क्लियर हो गया, वेरी गुड।
अब आप लोग आगे बढ़िए और दूसरे सवाल की ओर चलिए। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको कम्प्लेक्स करके आपके बीच सवाल ला रहा हूँ, आपको ईमानदारी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जवाब है, गौर से देखिएगा। सिखाना चाहता हूं मैं आपको, सभी बच्चों को, C1 C2 C3। अब इसका सबका वैल्यू आपको बता रहा हूँ, आपको एकदम ईमानदारी से सबके वैल्यू को देखना है और बना के हमको दिखाना है। C1 है 6, C2 है 7, C3 है 5 और C4 है 12। चलिए आप लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग बना रहे होंगे, बना के जवाब दीजिए जल्दी से। जंक्शन का नाम आपको देना है ए, बनाइए आप लोग। जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी बना के, हम देखना चाहते हैं हमारे कितने कितने बच्चे सीख पा रहे हैं। तो जो बच्चे 3 से 4 दिन के क्लास किए हैं लगातार, उनसे सही जवाब आने का उम्मीद मैं करूंगा। फराट जब भी लिखिएगा कैपिटल एफ में, गुंजन कुमारी फराट को कैपिटल एफ में लिखो। चलिए जवाब आना शुरू हो गया, मतलब 3 मिनट आप लोग को बुलाने में लगा। ट्वेंटी 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 जवाब आने लगा है।
चलिए अब आपका देख लिया आंसर, आप लोगों ने प्रयास किया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कीजिए। क्या तैयार करेंगे आप लोग? इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे। इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोगों को देखना है क्या सिखाया था। सबसे पहले अंतिम बिंदु दर्शाइए, उसके साथ जो कॉमन है उसको लिखिए। एम के साथ ए जुड़ा हुआ है और एन के साथ जी जुड़ा हुआ है, आप उसको दिखा दीजिए। एक स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप है कौन किसके साथ कॉमन है उसको देखिए। आप देखेंगे ए के साथ आपका सी कॉमन है, ए के साथ सी कॉमन है क्योंकि उसके बीच में बिना प्रतिरोध वाला तार जुड़ा है या बिना कैपेसिटर वाला वायर जुड़ा है, सी और ए कॉमन हो गया। और बी बिंदु देखेंगे आप, किसी के साथ कॉमन नहीं होगा, इधर भी कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर है, बी किसी के साथ कॉमन नहीं हो रहा है, बी बिंदु को बीच में लिख देंगे। चलिए आप लोग लिख दिया। अब आप गौर करके देखोगे, कट एंड पेस्ट अप्लाई करेंगे, ए और बी के बीच में कैपेसिटर है सी वन, उसको कट करके जोड़ देंगे। ए और बी के बीच में ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। उसका सिंबल है सी वन, सी वन बता दिया। चलिए बहुत सुंदर बात। अब आप देखेंगे बी और सी के बीच कैपेसिटर जुड़ा है। बी और सी कहाँ पर है? हाँ सर, यही बिंदु है, यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, आप उसको जोड़ के दिखा दीजिए। इसका वैल्यू है सी टू, ये रहने दीजिए। सी और डी के बीच में कैपेसिटर है, कट करो उसको, सी और डी पर विचार करो, उसको जोड़ दो। ये सी थ्री है। और फिर आप देखो बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, बी बिंदु यहाँ पर है, डी बिंदु यहाँ पर है, ए बी के बीच में जोड़ दिया सी वन, ठीक है, बी और सी के बीच में जोड़ दिया सी टू, बी और सी के बीच में जोड़ दिया सी टू, सी और डी के बीच में जोड़ दिया सी थ्री, सी और डी, सी और डी, सी यहाँ पर है और डी यहाँ है, सी और डी के बीच में जोड़ दिया सी थ्री को, और बी और डी के बीच में कट किया, बी और डी के बीच में सी फोर, बी और डी के बीच में जोड़ दिया सी फोर। सी वन, सी टू, सी फोर नाम देने के पीछे कारण है कि आपको वैल्यू लिखने में गलती हो गया, तो यहाँ से सी वन, सी टू, सी थ्री देखकर वैल्यू पुट कीजिएगा, इसलिए ऐसा नाम दिया जा रहा है। तो चलिए आइए आप गौर करके देखिए, तो सी वन का वैल्यू सिक्स सिक्स है, सी टू का वैल्यू आपका सेवन है, सी टू का वैल्यू आपका सेवन है, सी टू का वैल्यू सीवन का सिक्स, सीवन का सिक्स सॉरी, ये है सी टू का आपका सेवन है, सेवन है। फिर बी और डी के बीच, बी और डी कहाँ है आपका? बी और डी के बीच में सी फोर है, सी फोर का वैल्यू ट्वेल्व है। और ए और डी के बीच में देखो गौर से, सी और डी के बीच में सी थ्री है, उसका फाइव है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो गौर से ए और बी बिंदु के बीच देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो आप जब सॉल्व करोगे माय डियर बच्चों, सबसे पहले इस दोनों को ले लो, बिटवीन बिटवीन ए एंड बी,
ये पैरेलल में आपका होगा, पैरेलल में है, यदि पैरेलल में है आप गौर करके देखना, सीपी बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 का वैल्यू आपका 6 है, C2 का वैल्यू आपका 7 है, तो ये सीपी आपका हो गया 13 बिटवीन ए एंड बी। मतलब आप लोग ध्यान देना गौर से, ये दोनों मिलकर एक गो बन गया और उसका वैल्यू आपने कह दिया, कितना कह दिया, 13 माइक्रोफराड, ये 13 माइक्रोफराड का वो दोनों मिलकर बन गया। चलिए दोनों मिलकर एक बन गया। अब उसके बाद बी और डी पर आ जाइए, तो हम कहेंगे आप लोग बिटवीन, या हम लोग कहेंगे इन ए बी डी, ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो सीरीज में है यदि आप कहोगे सी एस बराबर प्रोडक्ट बाय सम, ये दोनों मिलकर 13 का हो गया और ये है 12, प्रोडक्ट बाय सम करोगे आप लोग 13 गुना 12 बटे 13 प्लस 12, इस बार देखेंगे आप लोग 13 गुना 12 बटे 12 13 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर सिंपल नहीं रहा और ये जटिल बन गया, 13 गुना 12 करिएगा आपका हो जाएगा 156 बाय 29, ये रह गया आपका। अब चलिए गौर से, C1 C2 और C4 ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर बन गया और वो हो गया 156 बाय 25 का बन गया। अब उसके साथ ये पैरेलल में होगा C3, अब आप कहोगे बिटवीन एम एंड एन, तो आप गौर करके देखोगे एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, जी पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, वो तीनों मिलकर बन गया आपका एक कैपेसिटर और इसका वैल्यू हो गया 156 बाय 25 बन गया ये। अब डेसिमल में निकाल लेना इसको भाग करके, और उसके साथ ये पैरेलल में हो गया इस तरह से, वो तीनों मिलकर इतना हो गया और ये हो गया आपका 5, तब यहाँ पर पैरेलल में हो गया तो सीपी बराबर दोनों को जोड़ देंगे 156 बटे 25 प्लस 5। अब इसका डेसिमल में आप लोग देख सकते हैं कितना होगा, करके उसको देख लीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का शुरू शुरू में 20 लिखे थे आप लोग, जो कि आपको गलती हो गया था, तो ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए मुझे आता है, मैं आपको आराम से फंसा सकता हूँ कभी भी, यहाँ समझ में आपको आया होगा। सिक्स पॉइंट टू फोर प्लस फाइव ये हो जाएगा 11.24 माइक्रो फराड, योर आंसर। अब उम्मीद है 100% सभी बच्चों ने सीख लिया होगा, 100% कहीं कोई दिक्कत किसी को इस सवाल को बनाने में। टिंकू कुमार मेरा सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू लोग। अंकित कुमार भी कला हमारा आ गया है सर, वेरी गुड। कुसुम लता रुखसाना यस, चलो बहुत अच्छा। सिकंदर कुमार यस सर जी, बन गया रे सिकंदर, चलो बहुत सुंदर बात। शुभम कुमार, रवीना
नो सर रवीना, क्या दिक्कत हुआ बाबू, लगातार क्लास नहीं करते हो क्या? लगातार क्लास करना है आपको, नहीं किए हैं तो अभी से आज से 3 दिन पहले 3 वीडियो लगातार देख लो, सुबह वाला भी देख लो, शाम वाला भी देख लो, दोनों क्लास को 3-3 वीडियो पीछे का देख लो, गारंटी है आप बना लोगे। जिन जिन बच्चों से गलती हुआ इसका मतलब है कि आप पिछले रेजिस्टेंस वाला और कैपेसिटर वाला दोनों सवाल, दोनों क्लास, 3-3 क्लास नहीं देखे हो। आप उसको ईमानदारी से देख लो, गारंटी है मेरा, आप ऑनेस्टली बना दोगे, मेरा 100% विश्वास है। जो जो बच्चों ने बना दिया के या बताओ आप हमको कि जो बच्चे पिछले 3 क्लास को देखा है क्या उनसे ये सवाल बनना चाहिए? या सुनो, जवाब दो जल्दी से हमको, यस नो में जवाब चाहिए, जो पिछले 3 दिन क्लास देखा है क्या उनसे बनना चाहिए या नहीं? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे हमारे यस बोलते हैं, पता चलेगा कितने लोग एक्टिव है। चलिए, निश्चित रूप से आपसे बनना चाहिए, 100% गारंटी के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं सवाल का इस टाइप चेंज करता हूँ और आपको बना के दिखाना है। पूरा सवाल एक जगह आ गया, छोटा हो गया, गौर से देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का शौक है ले लीजिए, पूरा सवाल एक साथ है। ये क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ से कैलकुलेशन है, ले लिया आपने, चलिए बहुत सुंदर बात। अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है, इस बार जो जो बना देंगे हम समझ जाएंगे वास्तव में आप लोगों ने सीख लिया है। तैयार हैं आप लोग? चलिए, आपके सामने क्वेश्चन तैयार हो रहा है, नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आज का, और वो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूँ, आइए ईमानदारी से देखेंगे। ये फिगर आपके सामने है और आपको इक्विवेलेंट सर्किट पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, एम और एन बिंदु के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। फिगर आपके सामने तैयार है, सर्किट आपके सामने तैयार है, तो हम आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप जल्दी से इसको बना के हमको दिखाइए। प्रत्येक का वैल्यू 12 माइक्रोफराड है, ये भी 12 माइक्रोफराड है, यहाँ 12 माइक्रोफराड है, ये भी 12 माइक्रोफराड है। कोई बच्चा जवाब हमको लगता दे रहा है, सूरज 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 सत्यम 20 20 20, वो अंडर स्टूड है, 20 क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं है, चलेगा, 20 माइक्रो फराड,
कैपेसिटेंस जिसमें दिया रहेगा उसी में आंसर होगा 20 माइक्रोफेराड। चलिए आप लोगों ने जवाब दे दिया, देखते हैं कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। अब आप जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सीखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि जंक्शन का नाम दो जिस बिंदु पर लगे तीन से ज़्यादा तार, दो से ज़्यादा तार जुड़ा है, दो से ज़्यादा तार जहाँ जहाँ जुड़ा है उसका जंक्शन का नाम देना है। तो इसका नाम दे दीजिए आप लोग ए, यहाँ पर नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए सबका, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट में बताता था मैंने, अंतिम बिंदु दर्शाओ एम, एम के साथ कौन जुड़ा है ए, एम के साथ ए जुड़ा है, ए बिंदु दिखा दो, और N के साथ कौन जुड़ा है D, N लिखकर उसके साथ दिखा दो D। एक स्टेप खत्म हुआ। अब गौर से देखो कोई कॉमन है क्या? हाँ सर, A और C के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, A और C के बीच में कैपेसिटर नहीं है, A के साथ हमारा C कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर दिए। बी बिंदु के लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों तरफ कैपेसिटर है, बी किसी के साथ कॉमन नहीं है, बी एकदम फ्री है, जो किसी के साथ कॉमन नहीं होगा उसको बीच में दे दागे। अब हम लोग कट एंड पेस्ट कंसेप्ट अप्लाई करें। ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है उसको यहाँ से कट कर लीजिए। ए और बी से कट करेंगे, जैसे ए और बी से कट किया आपने, आप उसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो। ए और बी बिंदु खोजो कहाँ है, ए बिंदु बी बिंदु है, यहाँ पर उसको हम लोग जोड़ देंगे, उसका नाम है सी वन लिख देंगे। अब बी और सी के बीच में कैपेसिटर है, कट कर दिया, बी और सी यहीं पर है, इसके बीच कैपेसिटर को जोड़ दिया, उसका सिंबल है सी थ्री, सी थ्री लिख देंगे। बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, उसको कट किया, बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, सी टू उसको जोड़ दिया। अब सी और डी के बीच में कैपेसिटर है, उसको कट कर लिया, सी और डी के बीच में जोड़ दिया, सी यहाँ है, डी यहाँ है, इसके बीच में कैपेसिटर को जोड़ दिया, इसका नाम है सी डी के बीच का नाम है सी फोर। सबका वैल्यू 12 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समान है इसलिए परेशानी नहीं है। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है।
अब आप देखो गौर से, यहाँ पर खूब आराम से देखोगे आप लोग, ये दोनों आपका पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, बी एंड सी के बीच में, बी और सी के बीच में पैरेलल है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी पी बराबर, ये दोनों पैरेलल में है, सी वन प्लस सी थ्री, सी वन प्लस सी, ये दोनों मिलकर हो गया 12 12 24 हो जाएगा, 24 माइक्रोफराड का हो गया, ये दोनों मिलकर 24 का हो गया, कहानी खत्म। अब हम लोग गौर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए बी डी में, देखते हैं ए बी डी में, देखेंगे गौर से, ये दोनों मिल के हो गया 24, इसका वैल्यू आपका हो गया था यहाँ पर, ये इसका 24 वैल्यू हो गया था आपका। अब आप देखोगे गौर से यहाँ पर, ये दोनों मिल के 24 हो गया, ये 12 है, मतलब इस तरह से सोचो आप लोग, ये बिंदु हो गया डी, ये बिंदु हो गया आपका बी, ये बिंदु हो गया आपका सी, या ए जो दे सकते हो नाम कॉमन है, ये कितना है 24, ये कितना है 12, तो यहाँ से सी एस बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सब, 24 गुना 12 बटे 24 प्लस 12 सॉल्व करोगे तो आप गौर से देखोगे क्या मिलेगा आपको, तो 24 गुना 12 रहने दो अपनी जगह पर, बटे 24 12 हो जाएगा आपका 36, 12 तिया 36, 3 8 24, ये हो जाएगा आपका 8 माइक्रो फैराड हो जाएगा आपका। ए बी डी के बीच में जितना भी कैपेसिटर है ये सब मिलकर गया आपका कितना का बन गया, 8 माइक्रो फैराड का बन गया आपका ये। अब ये तीनों मिलकर 8 माइक्रो फैराड का हो गया, और उसके साथ ये जो है पैरेलल में है, जैसे ये पैरेलल में आप देख रहे हो तो आपका क्लियर हो जाएगा, और तब इक्विवेलेंट सर्किट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपने देख लिया होगा, उम्मीद है आप पूर्ण रूप से आज का क्लास फॉलो किए होंगे, 100% उम्मीद है हमको आपने उसको फॉलो किया होगा। गौर से देखते हैं, अब लिखेंगे बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच आप गौर करके देखोगे तो फाइनली आपको जवाब जो मिला, एम के साथ तुम्हारा ए है और एन के साथ जो डी जुड़ा हुआ है डी जुड़ा है, और ये तीनों मिलकर जब हो गया आपका 8 माइक्रो फैराड का हो गया, तो यहाँ पर इसको इस तरह से दिखाएंगे और इधर इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया 8, ये कितना आपका 12, तो फाइनली सी पी बराबर तुम्हारा हो गया 8 प्लस 12 बराबर 24 माइक्रो फैराड, योर आंसर। तो आप लोग इसको सारे बच्चे इसका छोटा साइज में मैं कर देता हूँ, आप इसका सबका इक्विवेलेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, तो आप लोगों ने देख लिया सीख लिया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल को आप बच्चे 100% बना लोगे, पूर्ण विश्वास है मुझे, आस्था और विश्वास पूर्ण रूप से है। यदि आपने सीख लिया कुछ, आपको लगा कि लाइफ में मैंने सीखा, आपको कुछ लगा कि कुछ सीखा, तो लाइक ज़रूर करिए, और क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, कुछ सीख पाए हैं या नहीं, यदि सीख पाए हैं तो बताइएगा। और कुछ हमारे महानुभाव हैं जो एक्स्ट्रा जिनको खोपड़ी है, वो आते हैं जुड़ते हैं चले जाते हैं, और नुमरिकल बनाए छोरे छोड़ मटियाओ देख लो जैते, लेकिन भाई मेरे ये नुमरिकल नहीं है, इसको आप नुमरिकल मत समझो, ये आपके सोच को आगे का सवाल थ्योरी पढ़ने के लिए, बड़ा बड़ा सर्किट का सर कैलकुलेशन करने के लिए ये आपका हेल्पफुल है। यदि ये नहीं सीख पाएंगे तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपसे संभव नहीं है। तो जिन जिन बच्चों को मन में एक सपना है कि आगे का थ्योरी बहुत ईजी वे में समझें सीखें,
तो कैपेसिटर का 3 क्लास लगातार और रेजिस्टेंस का 4 क्लास लगातार आप जरूर देख लेना, आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम में अगले टाइम में।